बच्चों हम सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस फाइव पे एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। इसका गुणनखंड मैं आपको इजीली बताऊंगा कि किस तरह से किया जाता है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी बच्चों को नहीं आता है समझ में, तो यहाँ मैं बताने वाला हूँ आपको। वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखना है और अगर आपको समझ में आ जाए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, इसको क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना होता है, ये जो लास्ट वाला है और ये जो बीच वाला है इन्हीं का कॉम्बिनेशन सेट करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि उससे जो संख्या तोड़ी जाएगी उसका गुणनफल छः हो जाए। जैसे पाँच को अगर हम डिजिट को ही लेंगे, बस अगर हम पाँच को लेते हैं तो पाँच को आप लिख सकते हो टू प्लस थ्री, फिर पाँच को लिख सकते हो फोर प्लस वन, ठीक है, फिर पाँच को लिख सकते हो फाइव प्लस ज़ीरो। अब इनका आपस में अगर गुणा कराओगे तो इसका तो एक गुणा छः आएगा, इसका गुणा कराओगे तो चार आएगा, इसका गुणा कराओगे तो जीरो आएगा। ये जो छः आ रहा है ये यहाँ पर भी छः है, तो इसका मतलब क्या है कि ये गुणनखंड हमारा सेट हो जाएगा। तो हम इसको तोड़ देंगे एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस तीन एक्स प्लस सिक्स में, और यहाँ पर आप आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा बन गया, ये दो का जोड़ा है, ये भी ये दोनों दो जोड़े बन गए। इसमें देखिए एक्स कॉमन है, यहाँ से एक्स निकाल लें आप बाहर, और इसमें देखिए दोनों में तीन कॉमन है तो यहाँ से तीन कॉमन निकाल लें, तो ये बच गया। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू इसमें भी है, तो ये चीज़ अब दोनों में होने की वजह से इसको भी आप कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा और बच जाएगा क्या, यहाँ पर एक्स प्लस टू निकाल लिया तो यहाँ एक्स बच गया, दूसरे ब्रैकेट में एक्स लिख लें और यहाँ पे ये तीन बच जाएगा तो यहाँ एक्स प्लस थ्री लिख लें, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको मैंने एक एग्जांपल बता दिया, आप दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस आठ, अब आपको क्या करना है, इसका भी गुणनखंड करना है। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो सिक्स एक्स है इसको ऐसा तोड़ना होता है कि इनका गुणनफल आठ आ जाए और बीच के जोड़ने वाले का छः हो जाए। तो अगर हम छः को लिखें यहाँ पर साइड में तो इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस फाइव, और लिख सकते हैं टू प्लस फोर, ठीक है, और लिख सकते हैं थ्री प्लस थ्री, ये तीनों लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसमें आपस में गुणा कराएं, इसका गुणा क्या होगा आपस में पाँच एकम पाँच, इसका गुणा क्या होगा चार दुनी आठ, इसका गुणा क्या होगा नाइन। अब यहाँ देखिए चार दुनी आठ और यहाँ पर आठ है, ये दोनों मैच कर रहा है, इसलिए आपका जो गुणनखंड होगा दो और चार में तोड़ दिया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स को हम चार और दो में तोड़ेंगे, मतलब दो एक्स लिखें प्लस चार एक्स लिखें प्लस आठ लिख दें। अब इसके बाद क्या करें, यहाँ पर दोनों में से कॉमन देखेंगे, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है एक्स, इसमें भी एक्स इसमें एक्स, तो ये एक्स बाहर निकालें, तो यहाँ एक्स बचेगा एक, यहाँ पर दो बचेगा। अब यहाँ पर देखिए चार है यहाँ पर आठ है, मतलब चार और आठ में दोनों में से कॉमन चार हो जाएगा, तो यहाँ पर चार कॉमन निकालेंगे तो एक्स बचेगा, यहाँ पर दो बच जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो ये दोनों सेम आएंगे, अगर सेम नहीं आते हैं तो आपका गुणनखंड में कुछ प्रॉब्लम है, ये चेक करने का तरीका हो गया। अब यहाँ एक्स प्लस दो, एक्स प्लस दो दोनों में है, यहाँ से इनको भी बाहर निकाल लें, तो एक्स प्लस दो अगर यहाँ से निकालते हैं तो आपका बच जाएगा एक्स प्लस फोर, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड कैसे निकालते हैं किसी भी प्रश्न का। तो बच्चों अगर सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया आपको, गुणनखंड करना सीख गए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि यही मेरी मेहनत होगी और यही आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी होगी कि आप किस तरह के टीचर को चूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।